Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well, you are healthy and safe. आज मैं आपके सामने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ, जो कि है नो मेकअप मेकअप लुक, जो आप कहीं पे भी वियर करके जा सकते हैं, जहां पे आपको लगे कि आप बहुत सारा मेकअप शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं बट आपको मेकअप अप्लाई करने का मन है, तो आप वहां पे ये वाला मेकअप कैरी करके जा सकते हैं, क्रिएट करके जा सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप कॉलेज गोइंग है या ऑफिस गोइंग है, तब भी ये वाला नेचुरल सा मेकअप लुक आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। आप रोज की लाइफ में भी, डेली रूटीन में भी अपना ये वाला न्यूट्रल सा मेकअप लुक कैरी कर सकते हैं, बहुत ईजी और सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो नो मेकअप मेकअप लुक है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम नो मेकअप मींस कि हम मेकअप अप्लाई नहीं करते। ये एक ऐसा है जिसमें मेकअप तो ऑलमोस्ट सारा का सारा अप्लाई होता है। कोई कोई आपको कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे कि आपको थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई होंगे, कोई प्रोडक्ट्स होंगे कि आपको नहीं अप्लाई होंगे। लाइक अगर आपके पिगमेंटेशन वगैरह है या डार्क सर्कल्स वगैरह है, तो आप कलर करेक्टर वगैरह यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट आपको मेकअप सारा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ये वाला नेचुरल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, जिसमें मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट यूज किए हैं, बट लुक बिल्कुल ही नेचुरल, बिल्कुल ही सिंपल रखी है। तो अगर आप इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो हाय, माय नेम इज हिना। मैं इस चैनल पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ ब्यूटी रिगार्डिंग, लॉट्स ऑफ मेकअप वीडियोस, हॉल वीडियोस, टर्म्स ऑफ लिपस्टिक वीडियोस। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस को देखते हो तो थैंक यू सो मच। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो, स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप लुक। टेंटन है, यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है और समर्स के लिए तो बेस्ट है, और आपकी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका रिव्यू भी मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ अपने चैनल पर, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसको अच्छे से अपने फेस और नेक एरिया पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर प्राइमर, जिसमें मेरा शेड है गोल्डन टिंट। ये प्राइमर जो है ना, आपको अंदर से इनर ग्लोई ड्यूई सी लुक देता है, और आपका ऐसा लगता है कि फेस बहुत हेल्दी है। आपने मेकअप भी नहीं अप्लाई किया हुआ, बट लुक बहुत ही हेल्दी सी आती है, ड्यूई फिनिश आती है, इसलिए इसको अप्लाई कर रहे हैं हम। उसके बाद इसको हम 1 से 2 मिनट देंगे ताकि आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद फाउंडेशन के लिए यूज़ करी हूँ मैं यहाँ पे नायका का स्किन शील्ड फाउंडेशन। ये एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन है, इसमें मेरा जो शेड है वो है 10 गोल्डन आर। इसको अच्छे से अपने फेस पे डॉटेड मोशन में अप्लाई करके, उसके बाद मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर स्प्रे लगा रही हूँ, सो दैट कि मेरा जो बेस मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे, क्योंकि मेकअप फिक्सिंग स्प्रे के हेल्प से हमारा जो मेकअप है वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एक बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाता है। उसके बाद मैंने उसके अच्छे से अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर को अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है अच्छे से पूरे के पूरे फेस एरिया पे और नेक एरिया पे फाउंडेशन को। कंसीलर के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कंसीलर, जिसमें मेरा जो शेड है वो है नंबर 25 मीडियम, और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, जहाँ जहाँ अप्लाई किया है बिल्कुल सिर्फ उन्हीं एरियाज़ के ऊपर ब्लेंड किया है। उसके बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम। पर्पल का मैं यहाँ पे बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ हमने कंसील किया है अपना, उसको फटाफट सेट कर लेंगे सो दैट कि क्रीज लाइंस ना पड़े। और ये बहुत अच्छा बनाना पाउडर है, समर्स के लिए भी बेस्ट है और आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करके रखता है। फिर मैंने एक ब्रश लिया है, फ्लफी ब्रश, पाउडर ब्रश, उसकी हेल्प से मैंने जो एक्सेस पाउडर था वो अच्छे से डस्ट ऑफ कर दिया है, सो दैट कि हमारा फेस जो वो वाइट कास्ट सा ना लगे कि ज़्यादा मेकअप कुछ अप्लाई किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं आईब्रो प्रोडक्ट। आईब्रो के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन की आर्टिस्टो पेंसिल यूज़ की है, जिसकी एक साइड पे स्पूली है और एक साइड पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका जो कवरेज है वो बहुत ही मीडियम कवरेज है। इसको इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने आईब्रोज को बहुत लाइटली लगना है, ऐसे लगना चाहिए कि हमने आईब्रोज फिल किए ही नहीं है, बहुत नेचुरल सी लुक लगनी चाहिए। हल्के हल्के स्ट्रोक्स मैंने डाले हैं, जिसके कारण इसकी कोई भी ज़्यादा खास पिगमेंटेशन ना आए। उसके बाद मैं अपने फेस को कॉन्टोर करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ शुगर का कॉन्टोर है वुडी वंडर। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत अच्छे से कॉन्टोर कर देता है, और मैं बहुत लाइटली कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस को कि कुछ बिल्कुल हल्की सी शेडो आए बट लगे ना कुछ अप्लाई किया हुआ। फिर मैं एक आई शेडो ब्लश की हेल्प से सेम जो मेरा कॉन्टोर शेड है उसको अपनी आईलिड्स पे और क्रीज एरिया पे वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरे आईज़ को थोड़ी सी डायमेंशन मिल जाए फेस के साथ साथ।
और अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ बिल्कुल न्यूट्रल सी लुक रखने के लिए। और सेम ही मैं आईज के जो आईब्रोज का इनर कॉलम होता है ना, वहाँ से हम नोज़ को कॉन्टोर करते हैं तो हमारा बिल्कुल नेचुरल लुक आता है। तो मैंने नोज़ को भी अच्छे से कॉन्टोर कर लिया है और अपने फेस को भी। उसके बाद यहाँ पे मैं लिपस्टिक के लिए अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन की रोजी पीच, ये न्यू शेड आया है। मैंने इसको नायका पर्पल पे नहीं देखा, मेरे को ये अमेजोन पे मिला है। न्यू शेड है ये, बहुत अच्छा शेड है, समर्स के लिए तो बेस्ट शेड है। इसको मैंने अपने लिप्स के साथ साथ अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर लिया है एज ए ब्लश, अपने नोज एरिया पे और थोड़ा सा अपने चिन एरिया पे। अगर आप काजल लविंग पर्सन है तो आप हल्का सा काजल, जो जैसे लगता है कि जो रेगुलर में अप्लाई करते हैं बिल्कुल लाइट सा काजल अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी अप्लाई करना पसंद करती हूँ, तो मैंने अप्लाई कर लिया बहुत ही लाइट सी। उसके बाद मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, सो दैट कि हमारे जो आईज़ है वो ओपन अप सी लगे और थोड़ी प्रेजेंटेबल सी लगे, कि हमारा फ्रेश फ्रेश लुक आती है अगर आपकी आई ओपन अप होती है। तो मैं बहुत लाइट सा कोट कर रही हूँ, सिंगल कोट किया है मैंने, ज़्यादा कोटिंग नहीं करी है मस्कारा की। उसके बाद यहाँ पे हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, प्रिशियस पेटल वेट एंड वाइट का है, और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे अपने चीक बोन्स बहुत लाइट अप्लाई कर रही हूँ, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, अपने चिन एरिया पे, क्यूपिड बो पे, टेम्पल्स ऑफ द फोरहेड पे, इनर कॉलम ऑफ द आईज पे, ब्रो बोन्स पे। सी तो ये हो गई है हमारी कंप्लीट लुक तैयार, जो बहुत ही नेचुरल है। और मानिए आप बिल्कुल 5 मिनट से भी कम टाइम में ये वाली लुक क्रिएट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और कहीं पे भी आपने जाना होता है तो आप फटाफट ये वाली लुक क्रिएट करके जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो आप अपना लिप शेड जो है वो डार्क अप्लाई कर सकते हैं उस केस में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। जल्दी मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।